दोस्तों, गाय हमें दूध देती है। भारत में गाय को धार्मिक पशु के तौर पर मानते हैं और गाय की पूजा भी की जाती है। क्या आपको पता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मर्स गाय के पेट में छेद करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्या इन कंट्रीज में गाय के पेट में छेद करना क्रूरता है या इसके पीछे कोई खास वजह? तो आइए दोस्तों, आज हम इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे माइंड कोच यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन गायों के पेट में छेद किया जाता है उन गायों को यहाँ फिस्टुलेटेड काऊ कहा जाता है। फिस्टुला यानी कि होल करना, और इस छेद को प्लास्टिक के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि जब गाय के शरीर में छेद करने के लिए सर्जरी की जाती है तो करीब 6 हफ्ते तक गाय बेचैन रहती है। हालांकि एक्सपर्ट डॉक्टरों के इस सर्जरी करने पर गाय को किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आमतौर से आपके दिमाग में सवाल ये भी उठता होगा कि गाय के पेट में छेद करने से क्या फायदा होता होगा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि यह सर्जरी से गाय के शरीर की बीमारियों का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। इस बड़े छेद के जरिए गाय के पेट में खाना अच्छे से पच रहा है या नहीं, या कोई दिक्कत आ रही है, यह उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एनालिसिस करके जान सकते हैं। और साथ ही साथ गाय के पेट में रहने वाले बैक्टीरिया और पाचक रस के बारे में भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस छेद की मदद से कई बार गाय के बीमार होने पर उसके पेट में फिस्टुला द्वारा सीधे दवाई डाल दी जाती है, और गाय के पेट में किसी तरीके की गड़बड़ी की स्थिति में डॉक्टर हाथ डालकर गाय के पेट को खुद ही साफ कर लेते हैं, जैसे कि गाय का प्लास्टिक खा लेना या कोई अन्य वजह। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से गाय के आयु में बढ़ोतरी होती है और गाय की हेल्थ स्वस्थ भी रहती है, और साथ ही साथ इस टेक्निक से मिल्क प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये था असली कारण गाय के पेट में छेद करने का। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गाय को फिस्टुलेटेड करना अच्छा होता है या बुरा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन।